जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे और अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो आप लोग जो है कैसे हैं, बिल्कुल बताइए, और अपनी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइए। मेरा मैथ कमज़ोर है, मेरी हिंदी कमज़ोर है, मेरा रीजनिंग कमज़ोर है, जीके कमज़ोर है, क्या मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा? जी हाँ, यदि आपके अंदर लगन है तो आप एग्ज़ाम निकालेंगे। और भर्ती के ऊपर कुछ पॉइंट हैं जो आपके कमेंट में मिले हैं, और कई दिन से मैं आपको जो वीडियो नहीं दे पा रहा था तो उसका मेन कारण यह था कि जब तक कोई ना कोई ऐसी न्यूज ऐसी ना मिलती है तो फिर अच्छा नहीं लगता आपके बीच में वीडियो बार बार आपको परेशान करना ही कहेंगे, क्योंकि जब तक कोई ना कोई ऐसी जानकारी ना हो। पर बीच बीच में आपके बीच में वीडियो लाना इसलिए भी जरूरी है कि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे, समझ गए? जैसे आप लोगों का मोटिवेशन हमारे लिए होता है, वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिए और आपने पूरी वीडियो वॉच की, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन, और आप लोगों के लिए मोटिवेशन हम हैं कि हम आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कराएं। इसलिए हमारे चैनल का नाम भी है हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन। हमारा नाम हरिपाल है और जो अपने चैनल है वो मोटिवेट आपको करने के लिए है, ठीक है दोस्तों? तो भर्ती, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर भर्ती अभी नहीं आएगी, भर्ती 2024 में आएगी। देखिए, अगर भर्ती 2024 में आएगी तो फिर 24 में भी आनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, बहुत वगैरह वगैरह बहुत समस्या आ जाएंगी, समझ गए? चुनाव के बाद तो सरकारें कुछ दिन के लिए ढीली पड़ जाती हैं, जो काम करने होते हैं उनको भी सोचते हैं तो हम कर लेंगे, 5 साल समय है। तो इसलिए आपकी भर्ती ऐसी बात नहीं है कि 2024 में आएगी। पिछली 2000 जो ये 18 वाली भर्ती थी अक्टूबर में निकली थी, जनवरी में एग्जाम इसका करा लिया गया था, 49,568 वाली। तो बिल्कुल इस चीज को आप जो है अपने दिमाग में बिठा लें, ऐसा ना सोचें कि जो है भर्ती 2024 में आएगी। ये छोटी छोटी कमियां ही आपको जो है लास्ट जब सिलेक्शन होता है तो सर एक नंबर कम रह गया, आधा नंबर कम रह गया, पॉइंटों में कम रह गया, लगता और थोड़ा पढ़ लिए होते। क्योंकि ऐसा हमारे साथ खुद हुआ है, हम आपको क्या बताएं, हम खुद ऐसी चीज़ें झेले हैं तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल मोटिवेट रहिए, भर्ती आपकी आनी है और सेप्टेम्बर के लास्ट अक्टूबर में ही आपकी भर्ती आएगी। जो वहाँ से जानकारी लग रही है, भर्ती बोर्ड एकदम इस टाइम शांत है, सारे नोटिस वगैरह निकाल दिए, टेंडर वगैरह निकाल के एकदम शांत बैठा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं शांत बैठा, शांत नहीं बैठा, अपनी तैयारी में लगा है, तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन ही दिखाई देगा, समझ गए बात को? तो बिल्कुल चिंता ना करें। क्या वैकेंसी 2024 में आई? नहीं भैया, 2023 में ही आएगी, और वो भी 23 में भी जल्द ही आएगी, ठीक है? क्या सभी पोस्टों की वैकेंसी अलग अलग आएगी? देखिए बिल्कुल सही बात है, सिविल, पीएससी और फायर, इनकी तो वैकेंसी देखिए आएगी एक साथ, और जेल वार्डर इसकी आएगी अलग। और आप ये ना सोचे, देखिए ये सब कांस्टेबल ही हैं, सारे के सारे कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल की ही वैकेंसी है ये सारी। तो ये वैकेंसी के देखिए टेंडर भी अलग अलग जारी किए गए हैं कंपनियों को, तो आपके जो है अलग से ही निकलेगी। और यूपी सब इंस्पेक्टर, UPSI, ठीक है? तो तैयारी करते रहें, पांचों वैकेंसी हैं ये, बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगी। और आप यकीन मानिए, अगर आप जो है अभी से ही कठिन तपस्या में लगे हैं, तपस्या का मतलब आपको कोई संत नहीं बनना है, आपको अगर किताबों के प्रति आप एकदम तथास्थ हैं तो आप इस बार सिलेक्शन 100% ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप जो है कहीं भी जाकर तैयारी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर जगह। तो आपके पास समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और किसी के बहकावे में ना आए कि भर्ती अभी नहीं आएगी, 24 में आएगी, 25 में आएगी, 26 में आएगी, समझ गए? भर्ती आपकी आनी है, बहुत जल्द आनी है। तो दोस्तों आपकी भर्ती जैसे आएगी आपको वैसे ही तुरंत देखने मिलेंगी अगली चीजों की कार्रवाई, क्योंकि भर्ती वैसे ही डिले चल रही, तो बहुत जल्द आपके एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है? तो मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आ रही है, लमसम 58,737 पदों पर जो है ये भर्ती आ रही है, तो टोटल पद इतने हैं। तो बिल्कुल मेहनत करते रहें, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इकट्ठी वैकेंसी का एक लाभ ये भी है कि इकट्ठा पेपर हो जाता है, तो उसके बाद में धीरे धीरे सबका जो है काम हो जाता है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी में क्या होता है कि ज़्यादा मेरिट भी जाती है और बड़ा घबराहट रहती है। अब इकट्ठी वैकेंसी आ रही है तो इसका भी सदुपयोग कीजिए और आपकी जो है सही से अपने सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों? काफ़ी समय के बाद ये भर्ती आ रही है तो इस बार मौका हाथ से ना चूके, ठीक है दोस्तों? मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।